योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोचिंग टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वार्तालाप करेंगे बेसिक टूल्स इन रिविजन। दोस्तों, हमें रिविजन में किन किन महत्वपूर्ण टूलों की आवश्यकता होती है और जब हम स्टार्टिंग में काम शुरू करते हैं तो हमें कौन से टूल कौन सी गुणवत्ता वाले लेने चाहिए और हमें किन किन टूलों को पहले लेना चाहिए। दोस्तों, इसी विषय पर आज मैंने ये वीडियो बनाया है उन सभी टेक्नीशियन भाइयों को ये बताने के लिए जो अभी अपना काम नया शुरू करेंगे कि हमें किन किन टूलों को सबसे पहले लेना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने टूलों में इजाफा करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर एक योद्धा बिना हथियार के युद्ध लड़ेगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी तरह एक अच्छा टेक्नीशियन अगर उसके पास औजार प्रॉपर नहीं है तो दोस्तों वो अपने काम का 100% नहीं दे पाएगा। दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं हमें कौन कौन से टूल्स पहले लेने चाहिए और किस क्वालिटी के लेने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले डिजिटल क्लम्पमीटर। दोस्तों, ये हमें एक अच्छी क्वालिटी वाला डिजिटल क्लम्पमीटर लेना चाहिए। इसके बगैर हम रेफ्रिजरेशन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के बेस पर हम किसी मशीन को खराब या सही घोषित करेंगे जो सबसे पहले हमारी मशीन को एग्जामिन करेगी। तो दोस्तों, ये एक अच्छी क्वालिटी का आपको डिजिटल क्लम्पमीटर लेना चाहिए। मार्केट में ये 400 रुपये से शुरू हो जाते हैं और 1500 से 2000 रुपये तक आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप क्लम्पमीटर लें तो एक अच्छी क्वालिटी का लें। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए जिससे आप मशीन को चेक कर सकते हैं। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें 2 सॉकेट लगा सकते हैं 16 एम्पीयर की। उसके बाद दोस्तों, आपके पास फ्लेयरिंग टूल होना चाहिए। अगर आप फ्रिज का काम करते हैं तो आपको ये फ्लेयरिंग टूल भी चल जाएगा। अगर आप एसी का काम करते हैं तो आपको एक दूसरा फ्लेयरिंग टूल भी लेना पड़ेगा जिसके अंदर बड़े होल्स हों, 1/2 के 5/8 के इत्यादि इत्यादि। एक दोस्तों, आपको फ्लेयर करने के लिए योक चाहिएगी, ये भी आपको एक अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए और फ्लेयरिंग टूल भी एक अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एसी का काम करते हो तो इनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जिससे कि फ्लेयर बढ़िया बने। स्विच करने के लिए आपको ये स्टिक लेनी पड़ेगी। आजकल ऐसी स्टिक बाज़ार में आ जाती हैं जिसमें एक ही स्टिक में सारे स्विच हम कर सकते हैं। पहले हमें अलग अलग पाइप से स्विच करना पड़ता था। अगर आप और स्विच अच्छा करना चाहते हैं तो आपका एक ये स्विच अलग से आएगा और इस योक में वो लग जाता है जिससे आप स्विच को योक के द्वारा भी कर सकते हैं। आपके पास एक पंच प्लायर होना चाहिए। जब भी आप गैस भरेंगे तो आपके पास एक अच्छा पंच प्लायर होना चाहिए जिससे कि अच्छी क्वालिटी का पंच हो। क्योंकि अगर आपका पंच लूज जाता है तो आपका रेफ्रिजरेंट वहाँ से लीक होता रहेगा और आपको ब्रेजिंग करने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। आपके पास एक अच्छा हैमर होना चाहिए जो थोड़ा कम वेट का हो जिससे हम स्विच वगैरह करें तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आपके पास एक प्लायर होना चाहिए, अच्छे वाला प्लायर जिसकी स्लीव अच्छी हो और जो लीक प्रूफ हो जिसमें से करंट प्रभावित ना हो पाए। क्योंकि एक टेक्नीशियन को सबसे पहले अपनी सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद दोस्तों, हमें एक नोज प्लायर चाहिए, वो भी अच्छी गुणवत्ता वाला। कई बार हम स्विच या फ्लेयर करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। दोस्तों, हमारे पास कम से कम हमारे पास कपलर 3 या 4 होना चाहिए क्योंकि इस पार्ट्स की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है और ये अच्छी गुणवत्ता वाले और अच्छी कंडीशन वाले ही कपलर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर इनकी जो रबड़ है वो लीक हो जाती है तो हम अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते। एक अच्छा ट्यूब कटर होना चाहिए। दोस्तों, ये ट्यूब कटर आपको फ्रिज वगैरह में अच्छी तरह काम ले जाएगा और अगर एसी की पाइप काटनी है तो आपको बड़ा ट्यूब कटर लेना होगा, तो आप वो अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। एसी का काम करते हैं तो आपके पास लाइट रेंच बिल्कुल होना चाहिए। ये बड़े वाला है, ये इसे छोटा है, ये इसे छोटा है। दोस्तों, इसके बगैर आप एसी का काम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी आपको अच्छी गुणवत्ता वाले ही स्लाइड रेंच लेने चाहिए। आपके पास इंची टेप होना चाहिए। दोस्तों, ये भी एक अच्छी गुणवत्ता वाला इंची टेप होना चाहिए जिससे आप पेमेस करने में आपको पूरी हेल्प मिले। अगर आप इसी काम करते हैं दोस्तों, तो आपके पास स्प्रिंग बेंडर होने चाहिए। ये भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आपको पाइप को मोड़ना है, सॉफ्टली मोड़ना है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आपको एक्यूरेसी बेंड करना है तो आपके पास एक पाइप बेंडर होना चाहिए। ये भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दोस्तों, ये जो है ये एलुमिनियम बॉडी का है, ये सॉफ्ट पाइपों को ही सिर्फ बेंड कर सकता है। दोस्तों, जैसे कॉपर, एलुमिनियम वगैरह,
हार्ड पाइपों को ये बैंड नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमें स्टेनलेस स्टील का एक अलग से पाइप बेंडर लेना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके पास एक कैपलरी कटर होना चाहिए, जिससे हम अपने कैपलरी को काट सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास फाइल होनी चाहिए, एक राउंड फाइल होनी चाहिए आपके पास, और दोस्तों एक फ्लैट फाइल होनी चाहिए, ये भी अच्छी गुणवत्ता वाली फाइल होनी चाहिए, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डेफिनेशन लाइन में। स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए दोस्तों आपके पास रिवर्सिबल, एक साइड फ्लैट और एक साइड स्टार वाला, एक लंबा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए दोस्तों। सेफ्टी के लिए दोस्तों सेफ्टी गॉगल होनी चाहिए आपके पास, जब आप इसको आँखें पर लगाकर काम करोगे तो आपकी आँखों की सेफ्टी ये बहुत अच्छी तरह करेगा, इसलिए ये भी अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों एक मिरर होना चाहिए आपके पास, डेंटल मिरर कहते हैं इसको, ये हमें लीकी चेक करने के लिए, हमारी पाइपों के जोड़ दिखाने के लिए ये हमें इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये फोल्डर टाइप होता है दोस्तों, ये बहुत लंबा खुल जाता है, ये देखिए आप इसको कितनी भी लंबाई तक कर सकते हैं। आपके पास दोस्तों एक हैक्सा होना चाहिए दोस्तों छोटे वाला, ये भी हमें पाइप को काटने या दो पाइपों को काटने में मदद करता है। आपके पास एलर्ट वाल्व की होनी दोस्तों, जैसे पहले हम सिलेंडर मोटे वाले यूज़ करते थे जो बने बनाए आते थे, लेकिन आजकल दोस्तों डिस्पोजेबल सिलेंडर आने लगे हैं, इसलिए इसका थोड़ा काम कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। आपके पास एक आयरन होना चाहिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का आयरन होना चाहिए। आपके पास एक डायरेक्ट लीड होनी चाहिए दोस्तों, जिससे आप अपने फ्रिज को या मशीन को उसको डायरेक्ट चेक कर सकें। आपके पास दोस्तों एक अच्छी गुणवत्ता वाला एल की सेट होना चाहिए, अगर आप इसे काम करते हैं तो इसकी आपको आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ये भी एक अच्छी क्वालिटी वाला आप इसको यूज में करेंगे। आपके पास दोस्तों एक सिंपल ड्रिल होनी चाहिए छोटे काम के लिए, एक हैमर होना चाहिए अगर आप इसे काम करते हैं। आपके पास प्रेजिंग टॉर्च होनी चाहिए दोस्तों, बाजार में नॉर्मली मिल जाती है 500-600 रुपये में, अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाती है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और एलपीजी वाला ब्रेजिंग टॉर्च इस्तेमाल करेंगे तो आपके काम में बहुत ज़्यादा निखार आएगा और एक आप अच्छा काम कर पाएंगे। गैस चार्जिंग करने दोस्तों लो प्रेशर गेज होना चाहिए आपके पास, इससे हम गैस को चार्ज करते हैं। हाई प्रेशर के लिए तो हाई प्रेशर गेज होना चाहिए, जिससे हम प्रेशर चेक करते हैं और लीकेज वगैरह के लिए प्रेशर को स्टैंड करते हैं, वो हम इस गेज में करते हैं। चार्जिंग लाइन होनी चाहिए दोस्तों, आपके पास बढ़िया चार्जिंग लाइन होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 3 चार्जिंग लाइन आपके पास होनी चाहिए। एक प्रेशर चेक करने के लिए दोस्तों अलग से चार्जिंग लाइन आती है, वो आप प्रेशर सिर्फ प्रेशर भरने के लिए ही उसको यूज़ करें, और गैस चार्जिंग करने के लिए अलग से आप चार्जिंग लाइन यूज़ करें, इनको डिफरेंट रखें दोस्तों, कभी मिलाएं मत दोस्तों। एक पेचकस सेट हो जाना पूरा आपके पास, रिमर होना चाहिए दोस्तों, और एक गोटी सेट होना चाहिए पूरा, एक अच्छी क्वालिटी का गोटी सेट, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है दोस्तों। ये बेसिक टूल आपको खरीदना ही पड़ेगा, अगर आपको रिवीजन का काम अच्छी क्वालिटी का करना है तो आपको कम से कम ये बेसिक का आपको सामान शुरू में लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप हर साल अपने टूल्स को बढ़ाते रहिए, उनको इम्प्रूव करते रहिए। अभी एक जो ज़रूरी पार्ट्स है दोस्तों, मैं आपको फिर बताता हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जो ज़रूरी पार्ट्स है रेफ्रिजरेशन का उसको दिखाता हूँ मैं दोस्तों। वो पार्ट्स अगर आप नहीं खरीदेंगे, वो इक्विपमेंट अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप रेफ्रिजरेशन के काम में मार खा जाएंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल टूल दिखाता हूँ आपको। स्पेनर सेट आप ले सकते हैं दोस्तों, टेम्परेचर चेक करने के लिए डिजिटल टेम्परेचर मीटर आप ले सकते हैं, पर्जिंग प्लायर ले सकते हैं गैस रिकवरी करने के लिए, मल्टीमीटर ले सकते हैं, और मैंने इंची टेप तो आपको बता ही दिया था दोस्तों। ये वाल बहुत ही कामयाब वाल है हमारी डिफ्यूजन लाइन का, हैंडसेट ऑफ वाल, इसके द्वारा आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, ये बहुत जगह काम आता है। देखिए जैसे मैंने सिलेंडर पे लगाया हुआ है, इस सिलेंडर का ये वाल ख़राब है, ये लीक करता है, इसलिए मैंने इसको आगे हैंडसेट पर लगा दिया और जिससे इसको बंद कर दिया। इसके लगाने से आपका ये वाल बार बार ख़राब नहीं होगा। और जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है दोस्तों, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों,
ये है वैक्यूम पंप दोस्तों। अगर आप रेजिडेशन लाइन में कामें होने जाते हैं तो आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला वैक्यूम पंप सबसे पहले आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्नीशियन भाई जब शुरू शुरू में नया काम करते हैं तो हम कंप्रेशर पुराने कंप्रेशर से ही वैक्यूम पंप बनाते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। अगर आपको अपने काम में अच्छी क्वालिटी चाहिए तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि डबल स्टेज वाला वैक्यूम पंप इस्तेमाल करें। अगर डबल स्टेज कॉस्टली पड़ता है दोस्तों तो सिंगल स्टेज वैक्यूम पंप आपको लेके ही आना पड़ेगा। वैक्यूम पंप ऐसा ही होता है दोस्तों जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें सिर्फ ये थोड़ा हैवी कॉस्टली है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आता है, लेकिन आप वैक्यूम पंप लेके आएंगे तो वो 5,000 से 4,000 से शुरू हो जाएगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसलिए वैक्यूम पंप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैक्यूम पंप में आप कभी भी कटौती ना करें और एक अच्छी गुणवत्ता वाला वैक्यूम पंप सबसे पहले लेके आएँ अगर आपको रेविजिशन में उन्नति करनी है। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको जो रेविजिशन के महत्वपूर्ण टूल हैं जिनके बगैर हम रेविजिशन की कल्पना नहीं कर सकते उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकूं। आशा करता हूं को आपको वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ इसमें अच्छी ना लगी हो तो वो भी बताइए मेरे को, जिससे मैं आगे वाले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो दोस्तों सीजन शुरू हो चुका है, सभी टेक्नीशियन भाइयों को जोश और उत्साह से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। आप मेरे को दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।